अस्सलाम वालेकुम। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज एक और नई रेसिपी जो है फ़िश की, और ये है मंदेली की, जिसका नाम है मंदेली तवा फ्राई। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं मंदेली तवा फ्राई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये मेरी मंदेली फ़िश है जिसे मैंने 300 ग्राम लिया है और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसे वॉश किस तरह से करना है आप मेरी पुरानी वीडियो में मंदेली फ़िश फ्राई उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगेगा लेमन जूस हाफ, यानी कि आधा नींबू का रस, और मैंने प्याज लिया है इस तरह से मीडियम साइज़ का, और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ लगेंगी, मेथी लगेगा तकरीबन 2 चुटकी भर या फिर 1/4 चम्मच, राई दाना लगेगा 1 चम्मच, अदरक का टुकड़ा लगेगा 1/2 इंच का, और हल्दी पाउडर लगेगा 1/2 चम्मच, नमक लगेगा 1/2 चम्मच या अपने टेस्ट के हिसाब से, और स्मॉल साइज़ का एक टमाटो लिया है, और रेड चिलीज़ यानी कि लाल मिर्चें, ये जो ताज़ी वाली लाल मिर्चें होती मैंने वो ली हैं। तो चलिए मैं काम करती हूँ कि मेथी को छोड़कर बाकी तमाम मसाले जो हैं उसे पीस लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है तमाम मसालों का मिक्सचर जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसमें नमक और मेथी मैंने छोड़ दिया है और लेमन जूस, और बाकी जो है मसाले मैंने बारीक पीस लिए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से एक पैन में मैंने जो लिया है तेल जिसे गर्म कर लिया है तकरीबन 2 बड़ा चम्मच है, मैं इसमें मेथी दाना डाल दूँगी और इसे थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। जैसे ही ये ब्राउन होने लगेगा इसमें हम लोग मसाले जो हैं वो डाल लेंगे और इसे भुनना शुरू करेंगे। देखिए मेथी जो है ब्राउन होना शुरू हो गई है, अब हम लोग इसमें साइड्स में जो है मसाले डाल लेंगे। मसालों को बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है हम लोगों को, बस इतना कि इसका जो कलर है थोड़ा सा डार्क हो जाए। देखिए इस तरह से, बस ये जो लेवल है इसी लेवल पे हम इसमें क्या करेंगे, नमक डाल देंगे और साथ में डाल देंगे हमारी फ़िश। गैस मेरी अभी तक तेज़ पर ही है और इसे मैं एक तरह से मिक्स करके भून लूँगी। देखिए तमाम जो फ़िश है मैंने इसे मिक्स कर लिया अच्छे से, और मैंने इसे इस तरह से फैला लिया है। इस लेवल पे जो है मैं अपनी आँच तेज़ कर लूँगी पहले 2 मिनट, और उसे ढककर पकाऊँगी, और उसके बाद मसाला सूखने तक इसे धीमी धीमी आँच पे हम लोग पकाएंगे। तो चलिए इस लेवल पे मैं आपको दिखाती हूँ 2 मिनट तेज़ करके और फिर धीमे करके दिखाऊँगी। देखिए 2 मिनट हो गया है तेज़ आँच पे, और देखिए मसाला जो है ये काफ़ी अच्छा अपना पानी जो है वो सुखा लिया है, और देखिए तेल जो है तमाम जगह से देखिए निकल रहे हैं मसाले। देखिए कितने अच्छे थिक ग्रेवी हो गई है। ये जो है मसाले एकदम सूखने तक मैं इसको आँच स्लो कर लूँगी और इसे ढककर पकाऊँगी। फ़िश जो है मंदेली फ़िश, इसे बहुत ज़्यादा फ्राई या बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये भाप में भी बहुत अच्छी पक जाती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी स्टोव की गैस जो है वो स्लो पहले से थी तो आप लोग इसे ढककर ना पकाएं, खुला ही पकाएं, क्योंकि वो पक चुकी होती है तो उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ढक के पकाऊँगी, जब ये मसाले तमाम के तमाम सूख जाएंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसे धीमी धीमी आँच पे बनाया है, इसका मसाला जो है ये काफ़ी जो है देखिए सूख गया है, अब तेल जो है वो छोड़ रहा है। इस लेवल पे जो है फ़िश जो है रेडी हो गई है, लेकिन आप लोग चाहें तो इसे पलट कर क्रिस्पी होने तक भी पका सकते हैं। ये देखिए ये एक तरफ से जो है ये रेड हो गया है, रेडिश ब्राउन पककर। मैं इसे इस तरह से बहुत एहतियात से इसे करना है क्योंकि फ़िश जो है ये गल चुकी है। मैं इसे एक एक करके पलट लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तमाम के तमाम फ़िश को जो है मैंने पलट लिया है इस तरह से। अब ये जो है इसे भी तेज़ आंच पे मैं बनाऊंगी ताकि थोड़ा सा जो है ये और क्रिस्पी हो जाए या गोल्डन हो जाए। मैं इसे जो है गार्निश कर लूँगी धनिया की पत्ती के साथ में और लींबू के जूस पे। तो चलिए रेडी हो गया है, तो लीजिए तैयार है बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी मंदेली तवा फ्राई। आप लोग इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी बनी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ।